अमेठी में आयुध निर्माण कोरवा स्थित फैक्ट्री के सभी कर्मचारी 30 दिन की व्यापक हड़ताल पर चले गए हैं। गौरतलब है कि आज से केंद्र सरकार के आयुध निर्माण बोर्ड सहित देश की 41 आयुध निर्माण फैक्ट्री का निगमीकरण व निजीकरण का विरोध ये कर्मचारी कर रहे थे। इसके लिए आह्वान था कि आज से ये सभी 30 दिन की देशव्यापी हड़ताल पर चले जाएंगे। इन कर्मचारियों ने फैक्ट्री का पूरा कामकाज बंद कर दिया और सड़कों पर काला झंडा लेकर उतर आए और उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह हड़ताल 30 दिन चलनी है, लिहाजा सभी कर्मचारी एक जगह पर एकजुट होकर बैनर पोस्टर के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार आयुध निर्माण फैक्ट्री निगमीकरण निजीकरण के फैसले को बदले, जिससे अस्थाई कर्मचारियों को आने वाले वक्त में कोई दिक्कतें ना हो। ये भारत सरकार द्वारा मनमानी तरीके से आयुध निर्माणी बोर्ड एवं फैक्ट्रियों को जबरदस्ती निगमीकरण करने का प्रस्ताव कर रही है। हम सभी कर्मचारी 3 संगठन INDWF, AIDF और BPMS के संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा हम सभी कर्मचारी आज बाहर हैं और बहुत सारे अधिकारी एवं चार्जमैन सब अपने मन से हमारे साथ हड़ताल में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ की 100% हड़ताल सफल है और हम सरकार से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि यथाशीघ्र जितने जल्दी से जल्दी हो जाए निगमीकरण को रद्द कर दिया जाए ताकि हम लोग अपनी हड़ताल वापस ले। ऑर्डिनेंस का निगमीकरण करके ऑर्डिनेंस को पहले की तरह रियासती हाथों में देना चाहती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूँ और अपनी संयुक्त संघर्ष समिति जो कोरवा की है इसके द्वारा हम इसका घोर विरोध भी कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। सारे आयुध निर्वाणी के कर्मचारी, JWM, चार्जमैन एसोसिएशन, सभी लोग मिलकर के आज हड़ताल कर रहे हैं। कोरवा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि निगमीकरण के विरोध में सारे कर्मचारी एक होकर के हड़ताल कर रहे हैं और हम इस सरकार को इस हड़ताल के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपना संदेश देना चाहते हैं कि अपने निगमीकरण के मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद अपने निगमीकरण के फैसले को वापस ले। और हम आपको यह कर रहे हैं कि हम एक महीने की हड़ताल द्वारा सरकार को बाध्य कर देंगे कि वो निगमीकरण के हड़ताल को अपना वापस ले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। सच्चाई वही जो हम बताएं।